नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अगर आप भी ओके गूगल फीचर का इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी हर एक बात गूगल के कर्मचारी सुन रहे हैं। आप किससे क्या बात करते हैं, कब क्या कहते हैं, सारी जानकारी गूगल के कर्मचारियों के पास होती है। वो सारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। यह खुलासा कैसे हुआ है? बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुद गूगल ने माना है कि वो आम लोगों की बातें सुनता है। क्यों सुनता है, इसके पीछे की दलील क्या दी, और आप इससे बच कैसे सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक रिपोर्ट। सावधान, सावधान, सावधान। गूगल असिस्टेंट ओके गूगल का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान। आपकी हर एक बात गूगल के कर्मचारी सुनते हैं। आपके इस फीचर को इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी जितनी भी बातें होती हैं सारी गूगल कर्मचारियों तक पहुंचती हैं। जी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी पर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति में कंपनी ने खुद ये बात मानी है। इतना ही नहीं, गूगल टीम ने यह भी माना कि कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी जमा डेटा को तब तक डिलीट नहीं करती जब तक कि यूजर उसे खुद डिलीट ना कर दे। गूगल की दलील है कि उसके कर्मचारी स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि आवाज की पहचान को बेहतर करने के लिए आपकी बातचीत सुनते हैं। गूगल ने यह भी कहा कि कर्मचारी संवेदनशील जानकारी नहीं सुनते और ये केवल सामान्य बातचीत होती है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन गूगल की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि वो दोनों में फर्क किस तरह से करता है, वो सामान्य और संवेदनशील बातों को किस तरह से पहचानता है। मतलब साफ है, गूगल आपकी हर बात रिकॉर्ड करता है, हर बात सुनता है। संसदीय समिति की बैठक में झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया था। समिति ने उसे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन माना। समिति की ओर से इस पर जल्द रिपोर्ट तैयार कर सरकार को आगे के सुझाव दिए जाएंगे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को दृढ़ता से बताया कि उन्हें अपने मौजूदा डेटा संरक्षण में खामियों को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए गोपनीयता नीति और भारतीय उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता और रक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपाय स्थापित किए जाएं। आपको बता दें, गोपनीयता को लेकर अमेरिका में भी सांसदों ने गूगल से सवाल किया था और कुछ जगहों पर इसे लेकर मुकदमा भी हो चुका है। 2019 में गूगल प्रोडक्ट मैनेजर डेविड मोन्सी ने एक ब्लॉग में भी इस बात को स्वीकारा था कि उनके भाषा एक्सपर्ट रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिससे गूगल स्पीच सर्विस को ज्यादा बेहतर किया जा सके। 70 करोड़ लिंक्डइन यूजर्स का डेटा चोरी, फोन नंबर डार्क वेबसाइट पर। आपका डेटा कितना असुरक्षित है ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि लिंक्डइन के भी 70 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर है। लीक में लिंक्डइन के करीब 92% यूजर्स के डेटा शामिल है। इसमें यूजर्स का फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन और सैलरी जैसी निजी जानकारी की डिटेल शामिल है। डेटा को डार्क वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने डार्क वेब के पब्लिक डोमेन में 10 लाख यूजर्स का डेटा पोस्ट किया है। हालांकि लिंक्डइन ने डेटा लीक होने की बात को गलत बताया। उसका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।